जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और जूम प्लेटफॉर्म पे गुरु जी के आश्रम के थ्रू जुड़ी हुई सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी के आश्रम को शत शत नमन। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज फिर मुझे ये अवसर दिया, रहमते बरसाई, कि मैं गुरु जी के साथ उनके समय में फिजिकली जब वो प्रेजेंट थे किस तरीके से उनसे जुड़ी। हमारे परिवार का गुरुजी के साथ जुड़ना लगभग 1997-98 में शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो हमारे परिवार से जुड़ी वो मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी और जीजू आकाश सेठी, जिनके अपने बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और उनके साथ मेरा जाना शुरू हुआ लगभग 1999 में। डॉक्टर पूनम आंटी की आफ्टर मैरिज काफी साल तक कोई इश्यू नहीं थे, तो ब्लेसिंग्स के लिए उनके मामा जी उनको लेके गए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने उन्हें दो बेटों से ब्लेस किया। एडवांस में ही बता दिया था, जहां मैं तेनु मुल्ला दे देता। उनके अपने ही सत्संग हैं। इस सफर में जब जब गुरु जी ने सिस्टर इन लॉ को हाजिरी लगाने के लिए एम्पायर स्टेट बुलाते थे, तो उनके साथ फादर इन लॉ जाया करते थे। और एक दिन शायद गुरु जी के दरबार में मेरा बुलावा निश्चित हो गया और मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बेटे आज आप अपनी भाभी को लेके जाओ। और इस तरीके से मेरा एक बार, वो थर्सडे का ही दिन था, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं साईं की फॉलोअर थी और हर थर्सडे साईं राम को माथा निवाने जाती थी जहां भी आसपास मंदिर होता था। और बस उसी दिन मुझे शायद गुरु जी का बुलावा आया, गुरु जी की आज्ञा थी, और सिस्टर ने कहा कि आज आप मेरे साथ चलो हमारे गुरु जी के मंदिर। और मैं अंदर से काफी दुखी हो रही थी कि मेरा ये जो रूटीन है एवरी थर्सडे का साईं मंदिर का, वो रुक जाएगा। और मैंने रिक्वेस्ट की दीदी से, तो दीदी ने कहा नहीं, अगर आप इतना मानती हो तो ये सोचो कि साक्षात आप साईं को ही मिलने जा रही हो। उनके ये शब्द सुनकर तो थोड़ी देर के लिए लगा कि कोई तो है जो इतना दीदी बोल रही हैं, तो चलिए देखते हैं किनसे मिलने जा रहे हैं। और इस तरीके से मेरा एम्पायर स्टेट गुरु जी के दरबार में मेरी अर्जी गुरु जी ने लगाई और मुझे बुलाया। संगत जी, सारे रास्ते में यही सोचती गई कि साईं आपसे मैं मिलने नहीं आई, सॉरी आपकी पूजा नहीं हुई आज, आज मैं किसी गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ और मुझे कहा गया है कि आप ही हो वहाँ। अगर ऐसा है तो आप मुझे जरूर कोई इंडिकेशन देना, कुछ इस तरीके से कि मैं समझूं कि आप ही हो, कोई बात हो, कुछ इशारा हो, कुछ इस तरीके का कि मुझे लगा हाँ आज आप साक्षात बैठे हैं। संगत जी, एम्पायर स्टेट में बैठते ही पहली बार वहां जाना और स्तब्ध रह गए एकदम, इस तरीके की ऑरा एम्पायर स्टेट की, संगत चारों तरफ बैठी हुई इतनी डिसिप्लिन्ड, और क्या ऑरा थी जो एकदम खींचते चले गए, पैर चलते ही चले गए। और बता दिया गया मुझे पहले ही कि किस तरीके से हमने वहां बात नहीं करनी है, जहां बिठाया जाएगा वहीं बैठना है। तो जब मेरा माथा टेकने का नंबर आया, दीदी ने माथा टेका और गुरु जी के श्री चरणों में मैंने माथा निभाया, तो संगत जी जिंदगी का पहला दिन गुरु जी के दरबार में जाना और माथा निभाते ही जब मैं उठी तो गुरु जी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और दीदी से पूछा कि ऐ किन्हों लेके आई है तू नाल। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि गुरु जी मेरी भाभी है। अच्छा, तो ऐ दस की असली है कि नकली है? नहीं नहीं गुरु जी, असली है। अच्छा, और गुरु जी ने मेरे से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि नाम है तेरा, की कर दी है, कितों आई है। मैंने गुरुजी को जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे बताते गए। मैंने बोला गुरुजी मैं, मेरा नाम यशोदा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ। अच्छा, की काम कर दी है कोर्ट?
मैं कहा गुरु जी मैं वहां गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा जजमेंटा लिखते है? नहीं नहीं गुरु जी आई एम ए वेरी स्मॉल पर्सन, मैं वहां गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। अच्छा अच्छा और कोई गल नहीं, लिख लानी है एक दिन जजमेंट आवी। तब तो मुझे इतनी अच्छी पंजाबी भी नहीं आती थी, गुरु जी ने ये कहा जो कहा बस वो कानों में पड़ गया और समझ में आ गया। तो सिस्टर लॉ भी बहुत हैरान हो गई कि यहाँ तो इतने सालों से संगत है और तरसते हैं लोग गुरुजी से कुछ बातचीत हो, कुछ इस तरीके का समा बंधे, और आपने तो पहले ही दिन गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया इस तरीके से। संगत जी बस उस दिन तो खुद को ये मालूम था कि ये है साईं साक्षात आए हैं आज मिलने और मुझसे उन्होंने बात की है। इतना जानते हुए बस इस तरीके से धीरे 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 गुरुजी के पास हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार हमारा जाने का सिलसिला चलता रहा। और फिर धीरे धीरे मेरे अंकल मेरे साथ, मैं और मेरे अंकल जाने लगे। फिर ये हर सैटरडे को हमारा होता था कि हमें पहुंचना है गुरुजी के पास। तब हमने देखा एक बार हम बहुत जल्दी पहुंच गए, लगभग 5:30 के आसपास, और गुरुजी 7:30 7:45 के आसपास जो एम्पायर स्टेट में वॉल रसोई के आगे वॉल माउंटेड रैक है, जनरली उस पर ट्राउजर पहन के बैठे होते थे। और फिर 8 बजे से पहले अपना चोला पहनने के लिए रूम में जाकर फिर चोला पहनकर गद्दी में सामने बैठ जाते थे। वो जो ट्राउजर में गुरुजी बैठा करते थे, और उस टाइम जो 3-4-5 संगत सामने बैठती थी उनमें से हमें भी सौभाग्य मिला कि हम उनके एकदम सामने बैठे और गुरुजी के नजरें, गुरुजी की नजरें, वो दिव्य नजरें जो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब स्कैन कर लेती है संगत जी, एम्पायर स्टेट से में आती हुई सीढ़ियों में उतरती हुई संगत, गुरुजी को पता होता है उनके उनकी मर्जी के, उनके उस परमात्मा के, देवों के देव महादेव की आज्ञा के बिना कोई वहां एंट्री नहीं ले सकता। और इस तरीके से गुरुजी के रहमो करम, उनकी नजरें जो हमारे कर्मों को देखती है और जिसको जिनका हमारा कल्याण करने के लिए ही उन्होंने अपना एक समय निश्चित किया होता है, और संगत तभी उस निश्चित समय पे उनके पास पहुंच पाती है। संगत जी इस तरीके से चलते चलते बस हमारा और गुरुजी का इस तरीके से मिलना और उनके दरबार में हमारी हाजिरी लगना, इस तरीके से बस गुरुजी की रहमतें बरसने लगी। संगत जी आई एक्चुअली लॉस्ट माय सन समवेयर इन 1994 ऑन अक्टूबर 13th, और उसके बाद फिर डॉटर मेरी 97 में हुई क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, और उसके बाद भी प्लान के बस जो है परमात्मा ने जो दिया है इसी में ही हमको अपना चलाना है और हम खुश हैं। लेकिन जब मैं इस तरीके से जाती रही गुरुजी के दरबार में, गुरुजी ने कब मुझे ब्लेस किया और बस गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मेरी झोली में डाली संगत जी। और देखिए गुरुजी ने जो दिन चुना मेरे लिए वो था 7 जुलाई 2001। मेरी छोटी डॉटर जानवी शर्मा जो 7 जुलाई 2001 को गुरुजी ने गद्दी में रहते हुए मुझे ब्लेस किया और मेरी झोली में डाली, तो क्या कहें जब उनको एक उसके फर्स्ट बर्थडे पर हम उसे बड़े मंदिर ले गए जहां गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन इतना जोर शोर से होता है। आज तक गुरुजी की रहमतें हैं और संगत मनाती है। तो जब वापस घर जाने लगे रात को, उस टाइम बहुत लेट हो जाते थे, 1:30-2 बज जाता था घर जाते जाते, तो मैंने ये सोचा कि जैसे गुरुजी के आसपास इतनी वीवीआईपी संगत बैठी होती थी, मेनका गांधी, मिनिस्टर्स, आईएएस लॉबी, तो मुझे लगा गुरुजी बस अंदर से बोल रहे थे गुरुजी बस मुझे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दे दो, मुझे आपके ब्लेसिंग्स को जो है आपके आपको दिखाना है, ये आपकी बेटी है और इसको आपने, ये तो ब्लेसिंग्स है लेकिन मुझे आप बस आपको आपके पास आना है इसे लेके। ये सोचने की देर थी संगत जी, इधर उधर सब हो गए और पता नहीं गुरुजी ऐसे चेयर पे अकेले बैठे जैसे कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी और मुझे बुलाया। मैं झट से उनके पास गई, बेटी को उनके चरणों में रखा और मैंने कहा देखो गुरुजी ये है आपकी ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी है अपने ही बर्थडे वाले दिन, इसका बर्थडे भी आज ही है 7 जुलाई को। तो गुरुजी का कहना था तो देखा ना मैं कर देता ना कमाल, तू रोया ना किया करी। गुरुजी के ये शब्द वही जानता है जिसको कहा जाता है, क्योंकि गुरुजी देवों के देव हैं, परमात्मा हैं, हमारे वाहे गुरु हैं जो हम सबका कल्याण करने साक्षात
अवतरित हुए हैं इस धरती पर, और उनके उनका गुणगान करना, तो बस जिसपे रहमतें बरसते हैं, जिनके साथ गुरुजी का इस तरीके से कल्याण करने का इंडिविजुअली गुरुजी का हर किसी का तरीका हर किसी के साथ अलग होता था, हर किसी के सत्संग इसीलिए अलग होते हैं। तो गुरुजी का गुणगान करना बस एक गूंगे के गुड़ की तरह है। हम लोग हम गुरुजी की रहमतों को देख रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है उनके प्रेम में, लेकिन क्या शब्द है, हमारे पास डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है कि हम उनकी रहमतों को जो उन्होंने हमारा कल्याण किया है, हम उनसे जुड़े हैं, किस तरीके से बयां करें, कोई शब्द नहीं है, निशब्द है। वी ऑल आर स्पीचलेस, वी कैन ओनली टेस्ट, वी कैन ओनली फील। ये जो हवा, चांद, सितारे, वाक्य में जो कही गई है किताबों में चीजें, पुराणों में चीजें, हमारे वाहेगुरु जी जिस तरीके से आए, हमारे गुरु जी जो साक्षात शिव के रूप है, महादेव, देवों के देव महादेव हैं, बस उन पर विश्वास बनाए रखिए। बिल्कुल विश्वास संगत जी डगमगाए ना, बिल्कुल ना डगमगाए, क्योंकि गुरु जी जब ब्लेस करते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। हर गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि उन्हें अपने गुरुओं पर कितना विश्वास है। जीवन की हर कठिन समस्या, हर कष्ट के समय सिर्फ गुरु जी को याद रखिए, गुरु जी का मंत्र जाप, यही हमारी दवा है। इस तरीके से शंकर जी हमें ये ब्लेसिंग्स मिली और हम जीवन में आगे निकलते चले गए प्रभु के आशीर्वाद के साथ, हमारे प्रभु गुरु जी के साथ। 2003 में मेरे अंकल, क्योंकि बैंक में जॉब है, तो उनका एक न्यू असाइनमेंट के लिए उनका नंद प्रयाग ट्रांसफर हुआ। अंकल वहां गए, लेकिन एक महीने के बाद ही वापस आ गए। ये कि मुझे तो वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जॉन्डिस के साथ आ गए कि मेरे को प्रमोशन नहीं लेना है, और क्योंकि आप सब तो गुरुजी को मिलने चले जाएंगे, जब भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैं इतनी दूर अकेला, मैं कैसे गुरुजी से बात करूंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। सो फैमिली ने बोला कि यशोदा आप जाओ थोड़ी छुट्टियां लेके और इसको सेटल करके आओ नंद प्रयाग में। तो मेरे अंकल बहुत ही मॉरली बहुत डाउन हो गए थे, तो मैंने गुरुजी से पहले घर में ही बोला कि गुरुजी प्लीज, अपने मन में ऐसे बोलते कि गुरुजी प्लीज अब मैं आपके पास आ रही हूँ, जो आपकी आज्ञा होगी हम वैसे ही चलेंगे। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का जब बर्थडे था 2003 में, हम लोग गए और जाने के साथ जो भी मन में था गुरुजी को माथा निवाते हुए मैंने सब बोला, और अश्रुधारा टप टप, उनके सॉक्स गुरुजी ब्लैक कलर के हमेशा पहने होते थे, वो उस पे गए और कुछ मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कुछ मुझे कहा नहीं, बस सिंपली देखा। आप विश्वास करेंगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए 7 जुलाई की रात को, और ये दिखाया कि जो जगह है जहां मुझे जाना है वो कैसी है। एंड आई नरेटेड ईच एंड एवरीथिंग टू माय अंकल, इन वाज शॉक कि भी तुम कब गई हो वहां, कैसे पता है तुम्हें। मैंने बोला नहीं, मुझे तो रात को गुरुजी ने स्वप्न दिखाया है और ये बताया है कि आप यहां ठहरोगे, एक आउट हाउस है वहां ठहरोगे, वहां एक बहुत बड़ी नदी बैठती है, नदी के उस पार जो पहाड़ है वहां पे साक्षात गुरुजी बैठे हैं, साई मुद्रा में गुरुजी ने मुझे दिखाया बैठे हैं कि दरवाजा खोलते मेरे सामने। गुरुजी का इंडिकेशन था कि तुम जाओ, तुम जहां जा रहे हो मैं वहां हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं, ये उनका हमें संदेश था। और संगत जी हम खुशी खुशी गुरुजी के आज्ञा से वहां चले गए, और एक महीना हमने गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गए थे, एक महीना गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया रात दिन जलता था, वो दिया 3 साल जब तक अंकल वहां रहे, वहां गुरुजी का स्वरूप और दिया दिन रात जलता रहता था। और जब भी हमें गुरुजी की कृपा से वहां, हम लोग वहां पे एक तुंगनाथ एक जगह है शिव की भुजा पर बना हुआ है, और मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं जो भी यहाँ शिव का जो भी मंदिर होगा वहां पे मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा मैं अपने गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। जब पता चला तो मैं अंकल यानी जॉन्डी से भी फुली रिकवर नहीं हुए थे, बट गुरुजी का नाम लेके और गुरुजी का स्वरूप, हम जब भी वहां घर से बाहर जाते थे, जब भी हमेशा गुरुजी का स्वरूप, घूमने निकलते थे गुरुजी का स्वरूप साथ होता था। मेरे अंकल एक एक जगह दिखाते थे, गुरुजी ये देखो तुंगनाथ, गुरुजी ये देखो अलकनंदा, गुरुजी ये देखो, फिर वहां से हम लोग बद्रीनाथ गए, गुरुजी देखो बद्रीनाथ, गुरुजी ये देखो कालीमठ, और इस तरीके से करके जब मुझे एक महीना वापस छोड़ने मेरे अंकल दिल्ली आए, तो आते ही नेक्स्ट डे गुरुजी के दरबार में हाजिरी थी।
वहां माथा नहीं मानेंगे। तो गुरु जी ने देखते ही मेरे अंकल को कहा कि ऐ सबको कि ऐ मुंडा ना मैनू बड़ा घुमांदा है, कहंदा रहंदा है गुरु जी ऐ देखो, गुरु जी तुसीं ऐ देखो, गुरु जी तुसीं ऐ देखो। ये संदेश था, गुरु जी हमारे यहाँ बैठे हैं दिल्ली में और हम नंद प्रयाग में हैं, लेकिन गुरु जी वहां बैठे हुए भी हमारे साथ हैं। ये इंसान की तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ये सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है जो एक ही समय में पूरी दुनिया के एक एक कण में, क्योंकि वो मौजूद है तो हर किसी के साथ दुनिया के हर कोने में मौजूद है। ये उनका संदेश था कि मैं एक समय में एक जगह पर नहीं अनेकों जगहों पर अवेलेबल होता हूँ अपनी संगत के साथ। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नई संगत हो, पुरानी संगत हो, गुरु जी के सब प्यारी संगत हैं। और गुरु जी से एक बार जो जुड़ जाता है वो गुरु जी की मर्जी और गुरु जी के निश्चित समय के कारण ही जुड़ पाता है, क्योंकि वो गुरु जी का उन संगत के लिए एक संदेश होता है कि अब उनके कल्याण का समय है। इसलिए गुरु जी अपनी संगत को अपने ही निश्चित समय के हिसाब से अपने से जोड़ते हैं। बस नई संगत से यह अनुरोध है कि प्लीज वो गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें। इतनी शिद्दत के साथ जो नई संगत अभी हाल ही में जुड़ती जा रही है, गुरु जी की मेहर इतनी बरस रही है दुनिया के हर कोने में कि नई नई संगत अपने जीवन को लेकर कहीं भी कोई परेशानी आती है तो गुरु जी का संदेश मिलते ही वो उनसे जुड़ जाते हैं। तो प्लीज संगत जी अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, हमेशा गुरु जी के नाम के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और हमेशा खुश रहिए। जो मदद हो सके सबकी वो कीजिए और कभी भी किसी को गलत मत कहिए। जब भी मुंह से निकले अच्छा निकले और दुआ निकले, और वही गुरु जी हमें वापस करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। संगत जी इस तरीके से 2003 का हमारा ये सफर गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की दया से बहुत अच्छा निकला। गुरु जी से जो हमारा ऐसे हमारे छोटे 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 जो है गुरु जी के साथ ये सत्संग चलते रहे, जो गुरु जी से हमारा फिजिकली लास्ट साक्षात्कार हुआ वो इस तरीके से रहा कि पूनम आंटी, डॉक्टर पूनम आंटी और मैं एक बार जब एम्पायर स्टेट की तरफ जा रहे थे तो हम रास्ते में ऐसे ड्राइव करते करते बात कर रहे थे कि मैंने कहा दीदी गुरुजी के आसपास कितनी संगत वीवीआईपी बैठती है जो गुरुजी के पास एकदम पास बैठकर लंगर करती है, कभी हमें भी मौका मिले हम गुरुजी के चरणों के पास बैठे और लंगर कर पाए। तो दीदी ने कहा हाँ यशोदा बहुत ही किस्मत वाले हैं वो लोग जो गुरु जी के एकदम पास बैठते हैं। देखिए हमें भी अब रियलाइज होता है कि हमारे पास क्या है। उस समय भी हम लोग बस मस्ती में जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन अब पता चलता है हमारे प्रभु की शक्तियां, हमारे प्रभु का कल्याण, जो उन्होंने हमारा कल्याण किया उनके तरीके। तो हम सारे रास्ते एक दूसरे से बोलते रहे। दीदी बोलने लगी हाँ काश हमें भी कभी ये मौका मिले। तो मैंने बोला हाँ दीदी पता नहीं गुरु जी हमें कब ये मौका देंगे, कब ऐसा मौका आएगा। संगत जी ये हम बात करते करते एम्पायर स्टेट पहुंचे और वहां पे एम्पायर स्टेट में जब भी लंगर का समय होता था ठीक 9 बजे लंगर होता था, एक स्पेशली एक शब्द चल पड़ता था और वो बाहर से जैसी आवाज पार्किंग तक आवाज जैसे आती थी पता चल जाता था लंगर शुरू हो गया। हम लोग गए और लेट थे, गुरु जी को माथा निवाया तो बहुत रश संगत लंगर कर रही थी। तो सिंगला अंकल सिंगला अंकल ने हमें इशारा किया क्योंकि नीचे रश था कि भाई आप ऊपर जाके बैठो। तो जैसे ही हम थोड़ा सा बस सीढ़ियों की तरफ निकले ही थे कि पीछे से सिंगला अंकल आवाज आई, आंटी आंटी गुरु जी कह रहे हैं इन्हू थल्ले बुला लो, मेरे कोले इन्हू बिठा। हम लोग उधर ही गुरु जी के चरणों के एकदम पास में और मेरी दीदी पूनम आंटी वहां पर बैठ के हमने लंगर किया। संगत जी आप समझ सकते हैं कि उस ऑरा में, उस तेज में, उस प्रकाश में जो आज दुनिया में चमक रही है, सूरज और चांद हमारे गुरु जी हैं, उस प्रकाश में हमारी आंखें कैसे चौंधिया रही होंगी, हमारे हाथ कांप रहे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बस गुरु जी हमें देख रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये क्या था, सोचने की देर है, हम जो बात करते हैं ये सोच करके कोई सुन नहीं रहा, लेकिन जब गुरुजी हमारे जीवन में है, हमारे परमात्मा साथ में है, वो हर चीज सुनते हैं। उन्होंने कैसे हमारे दिल की बात सुनी और हमें
इस मेहर से नवाजा। यही हमारे गुरु जी, देवों के देव, परमपिता परमेश्वर। संगत जी, इस तरीके से हमारा गुरु जी के साथ ये संबंध, ये गुरु परिवार से जुड़ना, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। जब मेरे अंकल की एक पोस्टिंग देहरादून में आई, तो एक बार वो जब जैसे ही दिल्ली आते थे विजिट पर वीकेंड्स में या 15 डेज में, तो फिर हम लोग बड़े मंदिर हमारा विजिट होता था, आते ही वो माथा टेकना होता था और जाने से पहले। तो ये जब गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे, तो अभी हम दोनों माथा टेक के, मेरी नीस थी साथ में, हम लंगर करके निकले थे गुरु बड़े मंदिर से। संगत जी, बड़े मंदिर के यहाँ जब हम लोग कट लेते हैं इधर मेहरोली के बाद, ये हीरा से पहले, हीरा होंडा चौक उसको कहते हैं, हमारी गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। शब्द चल रहे थे, आंखें मेरी बंद थी, अंकल चला रहे थे, मेज पीछे लेटी हुई थी, और ऐसा लगा कानों के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। और क्योंकि अंकल मेरे 6 फीट है, मुझे लगा कि बोनट, तो ये डैशबोर्ड जो है पूरा खिसक के लगता है इनकी टांगों तक आ गया। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, पहले तो पता ही नहीं चला हुआ क्या है। देखा भीड़ इकट्ठी हो गई है, सड़क पे पूरा कूलेंट गिरा पड़ा है, और मेरे को बहुत डर लग रहा था। वो मुझे पूछ रहे, मैं उन्हें पूछ रही हूँ, किसी तरीके से हम लोग बाहर निकले। देखा तो अंकल सही सलामत थे, मैं सही सलामत थी, नीज भी बिल्कुल ठीक थी। तो सभी ने बताया, और वहां पे जो पेट्रोलिंग पे पुलिस ने बताया कि आज इस जगह पर ये थर्ड एक्सीडेंट हुआ है, एंड आप ही लोग हैं जिन्हें, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिन बिल्कुल कोई खरोंच भी नहीं आई है, वरना फर्स्ट वो एक्सीडेंट बहुत ही उसमें नुकसान हुआ है और काफी सीरियस थे। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी का लंगर प्रसाद है, जो हमारे शरीर में उनकी दुआ, उनकी दवा, जो अमृत हमारे शरीर में उस लंगर ने डाला, जो कोई भी एक्सीडेंट उसे टच नहीं कर पाया। ये हमारे परम पिता, मालिक, दुनिया के मालिक, देवों के देव, महादेव, हमारे गुरु जी, जो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, और रक्षा कवच गुरु नाम, हमारे गुरु जी का नाम, गुरु जी का मंत्र जाप हमारे जीवन का रक्षा कवच है। संगत जी, इस तरीके से गुरु जी ने परिवार को, हम सबको ब्लेस किया, और जैसे आज तक गुरु जी अपनी पूरी संगत को हर कदम पर ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसी तरीके से गुरु जी अपनी संगत को ये बताना चाहते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, और वो हर वक्त अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी, इस तरीके से आज भी पूरा परिवार किसी न किसी तरीके से गुरु जी के, कोविड के टाइम पे गुरु जी ने किस तरीके से रक्षा करी, सबने दर्शन दिए और दिखाया कि उन्होंने कैसे रक्षा करी है। जिस तरीके से मेरे अंकल को काफी सीरियस इश्यू हो गए थे, मेरी मदर लॉ को हो गए थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने दिखाया, साक्षात दिखाया सपने दर्शन में, कि उन्होंने उन्होंने मेरे से बात करी, किस तरीके से दिखाया कि उन्होंने क्या खिलाया और किस तरीके रक्षा करी। मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये गुंगे का गुड़ है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकती जो उन्होंने किया और जो उन्होंने दिखाया। संगत जी, अभी हाल ही में जो हमारे फैमिली के अंदर हुआ, मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी आपसे। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मस्कट में रहते हैं, वो उनकी आंटी और एक डॉटर, वो क्योंकि पूरा परिवार ही गुरुजी से जुड़ा हुआ है, और उनकी डॉटर भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। तो इस तरीके से अभी 2021 दिसंबर में वो आए, क्योंकि पता चला अचानक से कि मस्कट में एक बार उनको ब्लीडिंग हुई माउथ से, इतनी ज्यादा हुई कि वहां डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला। और संगत जी, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि वो कहीं सत्संग में गए थे, सत्संग का उन्होंने प्रसाद खाया था, प्रसाद की एक पूरी खाते ही ये शुरू हुआ सिलसिला, और इतना ज्यादा कि 2-3 बार वो हॉस्पिटलाइज हुए, और उनके मन के अंदर एकदम डर बैठ गया कि उनको क्या हुआ है। अब मस्कट में जितनी मेडिकल टीम थी, जो वो समझा समझ सकती थी, वो फिर भी
जितना उन्होंने ट्रीटमेंट लिया उससे कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ये होने लगी। वहां पर एक इंडियन डॉक्टर थे और उन्होंने बताया कि आप एक बार इंडिया जाइए और वहां पर आपने थोरोस्कोपी करवाइए, क्योंकि वो फैसिलिटी वहां अवेलेबल नहीं थी। ये सोचते हुए इतने डर से वो कोविड के टाइम पे आ नहीं पाया और ऐसे ही जी रहा था। बहुत लास्ट में जाकर उसने हमें बताया और समहाउ दिसंबर में 19 दिसंबर के आसपास वो लोग इंडिया आए। बस शंकर जी, सबसे पहले तो ये लगा कि ये चेस्ट का सारा ये देखा जाए, तो इसके लिए मेहरोली में जो ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल है वहां, ये भी एक बहुत बड़ा संगत सत्संग है संगत जी की। मेरे कजन्स जो है बचपन से हम लोग इतना आपस में एक फैमिली की तरह थे, लेकिन मैरिज के बाद सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आकर इतना बातचीत या मेल जोल नहीं हो पाया और काफी टाइम तक नहीं रहा, लेकिन अचानक से हुआ 3-4 महीने पहले। और जब ये देखा कि जब मेरे कजन भी मुझे लिख रहे हैं जय गुरुजी, मेरी डीपी पे गुरुजी को देखते हुए, तो मैं समझ गई ये तो गुरुजी से जुड़े हैं। और हमारा जब रिश्ता जब गुरुजी के थ्रू हो और गुरुजी हो परिवार में उस रिश्ते में, तो आप देखिए सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। फिर हम बहुत ज्यादा गुरुजी के सत्संग मैंने उनके साथ बताया अपने बारे में, और इतने खुश हुए वो, और पास में ही है, वो भी जाते रहते हैं बड़े मंदिर। तो वो ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और गुरुजी ने मुझे देखे पहले उनको मिलाया, और ये कोई मार्च अप्रैल की बात थी, और दिसंबर में मेरे ब्रदर लॉ आए मस्कट से। और मस्कट से आने के बाद जब सबसे पहले मैं ऑफिस चली गई और मैंने उनका, मेरे कजन ने उनके वहीं से जो प्रिस्क्रिप्शन थी उस बेसिस पर वहां अपॉइंटमेंट जो टाइम फिक्स कर लिया डॉक्टर के साथ, डॉक्टर सैनी थे जेके सैनी, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। और उन्होंने वहां सिर्फ चेकअप के लिए गए थे, लेकिन चेकअप करते करते उनको लगा नहीं इनको एडमिट करना है, तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया कि नहीं हम इनको पूरा अंदर तक वो इंस्ट्रूमेंट डाल के चेक करेंगे। और इस चेकिंग के दौरान उनके यहाँ थ्रोट से काफी कट सा लग गया या खून आया, तो उन काफी सीरियस इश्यू हो गया था, और वो 8-10 दिन वहीं रहे। वहां पे भी गुरुजी ने हर वक्त हमारे लिए जैसे कि हर तरीके से चीज परोसी हुई हो, सारी फैसिलिटी मिली संगत जी। और फिर न्यू ईयर से पहले पहले 2-3 दिन पहले आई थिंक अराउंड ऑन 28 वो घर आ गए ये कहकर कि अब बेटर है, अब आप ले जा सकते हैं, अभी हम इसको उनको फिर बाद में बुलाएंगे। न्यू ईयर पे संगत जी मेरे एकदम घर के सामने ही हमारी, मैं पश्चिम रिजर्व बैंक कॉलोनी में रहती हूँ, और बहुत गुरु की महिमा है, बहुत गुरु संगत है, जितने घर है ना 70-80% गुरु परिवार है। मेरे सामने ही गुरु संगत है और उन्होंने कहा आंटी हम सत्संग करना चाह रहे हैं न्यू ईयर में, हमने आज तक कभी किया नहीं है और आप प्लीज सब कुछ आपने करना है। तो मेरा अहोभाग्य कि मैं जो अंदर से सोच रही थी कि न्यू ईयर में कहाँ जाऊं सत्संग करना है अटेंड और गुरुजी के मंदिर जाऊं कैसे जाऊं, तो संगत जी मैं वहां पे सारे अरेंजमेंट जैसे गुरु महाराज की आज्ञा हुई सब कुछ किया, सारा सत्संग खत्म हो गया, लंगर करने बैठी तो मैंने अपने ब्रदर लॉ को मैसेज भिजवाया, बट उनका वो आ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, फिर बाहर से आए थे तो कहीं कोई बुरा ना मान जाए इससे वो आए भी नहीं, तो मैंने उनका लंगर प्रसाद घर ही भिजवा दिया। संगत जी फिर देखिए उन्होंने सिर्फ प्रसाद टेस्ट ही किया था थोड़ा सा, एंड ही अगेन स्टार्टेड विद द सेम प्रॉब्लम, सो हैवी ब्लीडिंग। संगत जी मैंने वहां लंगर खत्म ही किया था और घर से मैं आई कि आपको जो है घर में बुला रहे हैं, मेरे अंकल के फोन आने लग गए कि आप घर जाइए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब मैं घर आई और मैंने देखा संगत जी, अगर कोई होता तो बेहोश हो जाता, लगभग एक छोटी बाल्टी भरकर मुंह से ब्लीडिंग निकली हुई थी और ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्टैंड और स्पीक एनीथिंग। और उनकी आंटी बस क्योंकि तब से आई थी मदर से मिली नहीं थी, तो शेख सराय अपनी मदर से मिलने गई थी, मैं मेरी बड़ी डॉटर भी कहीं बाहर गई हुई थी, मेरी छोटी डॉटर, मेरी मम्मी और मैं और ये मेरे ब्रदर लॉ, और
बस किसी तरीके से हाथ पैर संभाले हुए गुरु जी का नाम लेते लेते डॉक्टर्स को फोन लगाए, और डॉक्टर्स ने मेहरुली से बोला कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आप उनको ले जाइए, और कोविड का अब तो अभी खत्म नहीं हुआ था पूरी तरह, तो हमारे यहाँ बालाजी एक्शन पास पड़ता है, उस एक्शन बालाजी में मैं ले गई। लेकिन वहां बहुत ही मुश्किल से किस तरीके से मेरे को एक दो गुरु परिवारों ने हेल्प किया, गाड़ी में डाला, उनको ले गए, गुरु जी का नाम लेते लेते रोते रोते बालाजी एक्शन वालों ने भी कहा कि हम इनको एक इंजेक्शन दे सकते हैं लेकिन ये एडमिट नहीं कर सकते हैं, सॉरी। और मेरे को वहां से डॉक्टर ने बोला कि आप प्लीज इनको जब तक स्टेबल ना हो यहाँ से हिलाए ना। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करी, तो 2 घंटे जब ब्लीडिंग रुक गई थोड़ा, 2 घंटे मेरे अंकल भी आ गए, पूनम आंटी भी आ गई, और मेरे और भी जो फैमिली फ्रेंड्स थे आए। किसी तरीके से डॉक्टर वाली एम्बुलेंस हमने अरेंज करी, और डॉक्टर ने मुझे वार्न किया कि आप मेहरुली लेके आ रहे हैं लेकिन अगर रास्ते में कुछ भी हुआ तो प्लीज इमीडिएटली उनको मेडिकल एड चाहिए, नियरेस्ट मेडिकल कोई किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा। आप सोच सकते हैं हम किस मेंटल स्टेटस में होंगे कि हम उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, ड्राइवर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे चलाना, और मंत्र जाप, सिर्फ गुरु जी का जाप, मंत्र जाप, और वो जिस जो बोला जा रहा है वो भी बस जितना बोला जा रहा है गुरु जी ही इज टू मच डिवोटी ऑफ गुरु जी, सत्संग होते रहते हैं वहां, बस गुरु जी का भोग प्रसाद ही के बाद ही वो लोग खाना खाते हैं। हम गुरु जी का नाम लेते लेते किसी तरीके से, उतनी ठंड थी उस ठंड में मेहरुली में गए, और गुरु जी जो मेरे कजन हैं गुरु जी की संगत हैं, उन्होंने हमारे लिए फिर से सारे अरेंजमेंट कर रखे। ये गुरु जी मेरे कजन गुरु जी की संगत जो गुरु जी ने मेरे को दी है, इसीलिए उनसे मिलवाया क्योंकि गुरु जी जानते थे कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो इससे पहले सबको मिला दिया, सारी हेल्प प्रोवाइड कर दी। ये प्रभु की अनंतम अनंतम प्रभु का शुक्राना है। शुक्राना के लिए तो हमारे पास न शब्द है न वो जुबान है। और शंकर जी 1 जनवरी से लेकर और 15 और 20 जनवरी तक वहीं पे वो रहे, और उसके बाद अचानक से गवर्नमेंट का ये जो गाइडलाइंस थी वो इशू हो गई कि धीरे धीरे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और अब जो है ओटीज बंद करे जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। वहां पे जो एक सर्जन है जो थ्योरी जिनका डॉक्टर्स ने वहां डिसाइड किया कि नो दिस इज अ सीरियस इशू एंड दे विल गो फॉर अ थोरोस्कोपी। थोरोस्कोपी में जो वहां सर्जन थे एक्सपर्ट, वो उन्होंने कहा, उन्होंने नेक्स्ट डे की डेट दी, बट इन द मेन टाइम सेम गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड दे वर कंपेल्ड टू क्लोज दैट ओटीज, और हमें बोल दिया गया कि अब ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो मेरे कजन वहां थे और हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह डॉक्टर्स के साथ टच में थे, तो ये देखिए संगत जी जो सर्जन थे वहां पे, वो सर्जन गंगाराम हॉस्पिटल में, आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम, डॉक्टर सब्बे सांची बल, द हेड ऑफ द थोरेसिस डिपार्टमेंट, उनके जूनियर थे वो जो सर्जन जिन्होंने करना था वो सीनियर थे मेहरुली में, और गंगाराम वाले सब्बे सांची जी जूनियर थे। उन्होंने कहा कि मेरा, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा जो कलीग फ्रेंड है डॉक्टर जो थेरोस्कोपी का एक्सपर्ट है, मैं वो आप वहां जाइए और उनसे मिलिए, मैं उनको कॉल करूंगा और वो आपका केस देखेंगे। संगत जी हम अगले दिन मैं और मेरे अंकल गंगाराम पहुंचे, और जिस तरीके से डॉक्टर सब्बे सांची ने हमें बताया कि अगर हमने जरा भी देख करी तो हम इन्हें खो देंगे, उन्होंने पूरे हमें हिस्ट्री बताई और कहा आप आज ही इनको यहाँ शिफ्ट कीजिए। इतनी तेज बारिश थी संगत जी, हमने उनको मेहरुली से गंगाराम शिफ्ट किया, और क्योंकि ये भी गुरु जी की मेहर थी, ऐसे ही गंगाराम में कोई भी डॉक्टर आपको इतना इजीली इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा और ना ही अपने पेशेंट को इस तरीके से लाने के लिए देगा। इवन इफ इट इज प्राइवेट, आप पैसा खर्च रहे हैं, पैसा खर्चने के बाद भी आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती है और ना ही आपको डॉक्टर्स कन्विंस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए गुरु जी की मेहर, मेहरुली के सर्जन डॉक्टर के फ्रेंड होने की वजह से उन्होंने हमें फैमिली फ्रेंड की तरह ट्रीट किया,
और इमीडिएटली हमारे लिए अरेंजमेंट कराए और हमने सेम डे उनको वहां पे शिफ्ट कराया। संकट जी आज एडमिट कराया और कल मॉर्निंग में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। हम इतने डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि लंग्स का एक पीस काट भी सकते हैं, एक साइड का ये कर सकते हैं, क्योंकि वो कई पॉलिप उनको मिला था अंदर और वो थेरोस्कोपी में पॉलिप को ढूंढना था कि कहीं और इसकी ग्रोथ क्या है, वो चेक करने के लिए बायोस्कोप में भेजा गया। लेकिन और हम, मैं, मेरे बेबे लॉक की आंटी, मैं, मेरे अंकल, मेरी दीदी डॉक्टर पूनम सेठी, जीजू, हम सब सिर्फ बाहर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गुरु जी का जाप करते थे। हमारे बहुत पुराने गुरु संगत है, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी, सभी जानते होंगे, डॉक्टर बजाज, बहुत पुरानी संगत है गुरु जी के साथ, डॉक्टर साहब, मैं उनके साथ टच में थी और मैंने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब ने मुझे इमीडिएटली कहा कि बेटा गंगाराम में गुरु जी के 3 स्वरूप लगे हैं, वहां जाओ आपको अच्छा लगेगा, गुरु जी को अरदास करो। वाकई में जब मैं गई एंट्री पे लेफ्ट हैंड साइड में तो गुरु जी का एक मैंने फोटो भी खींच के रखा है, 3 स्वरूप लगे हुए थे और वहां पे जो ड्यूटीज पे गर्ल्स थी पुलिस डिपार्टमेंट से जो डिप्यूट की हुई थी, उन्होंने बोला अरे आप किसको देख पूजा कर रही है। मैंने बोला गुरु जी को, बोलते बस आप पूजा करिए आपका तो सारा काम हो जाएगा। और गुरु जी के आगे से कुछ न्यू ईयर के कैलेंडर की सेवा मैंने ली हुई थी और जो जो मैं उनको छोटे छोटे मेरे पास गुरु जी के स्वरूप थे, पैनल थे, जो जो हुआ जो जो मिला मैंने दिया। हम वहां रोज सुबह शाम जाते और गुरु जी को आगे अरदास करते। अच्छा लगता था कि गुरु जी हमारे पास यही हॉस्पिटल में ही हमारे साथ है। संगत जी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर सब्यसाची बल ने हमें क्लियर कर दिया था और एक अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर कोई रिस्क हो जाए तो नॉट द डॉक्टर टीम बट द फैमिली ऑफ द पेशेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी हैड ऑलरेडी गिवन द अंडरटेकिंग, यस दे मे गो अहेड विद द ऑपरेशन। अब संगत जी ये देखिए अंदर ऑपरेशन चल रहा है और बाहर हम गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। जितने भी जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग थे अंकल, वो हम लगाते थे, जो मुझे गुरु जी के बड़े आश्रम से विक्रम अंकल के इसमें आते रहते हैं सबके, वो सत्संग सुन रहे थे हम। और मुझे याद नहीं आ रहा एक डॉक्टर चंद्रकांत गुरु जी के टाइम की बहुत पुरानी संगत है, क्या उनका 1.5 घंटे का ऑपरेशन थिएटर में जाने से लेकर और ऑपरेशन होने तक हमने सिर्फ उनका सत्संग सुना। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। और जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर सब्यसाची बल बहुत हैरान थे, बोले थे ऑपरेशन इज वेरी सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट रिलैक्स। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद हमें भूख लगी है और हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। पूरी फैमिली रात रात तक वहां बैठती थी और डॉक्टर अकेले घर पे मैनेज करती थी दादी के साथ। वहां कम से कम 15 दिन वहां रहना पड़ा और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा ही इज फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन फ्लाई बैक टू मस्कट। बस वो दिन है और आज का दिन है, गुरु जी की मेहर है संगत जी, जो उन्होंने इस परिवार को और सुशील अंकल को जो मस्कट में है उनको इतनी बड़ी समस्या से निकाला। क्या था डॉक्टर्स को भी नहीं पता, बोलते कुछ नहीं है अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आई पता नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे टेस्ट कर दिए हैं, उनको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा होगी ही नहीं। और आज तक गुरु जी की मेहर है, कृपा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्या हमने डोनेट करना था वो ब्लड, क्या हमारे कर्म कट रहे थे। इतनी बड़ी समस्या आने के बाद गुरु जी ने नया जीवन दिया, ये है गुरु जी। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, गुरु जी की उंगली थाम कर विश्वास के साथ जीवन पथ पर चलते रहिए, जो रास्ते में आएगी चीजें अपने आप छटती चली जाएंगी। बस उनका नाम जप उनका और उन पर विश्वास ही हमारी शक्ति है, उसको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा आप अपने परिवार की जो ड्यूटीज है उनको छोड़कर मेरे लिए बैठो, नेवर। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर मुझे याद करो। जिंदगी के 365 साल, जिंदगी की हर सांस पर गुरु जी का
स्मरण है वो सब गुरु जी की दी हुई है। 24 घंटे गुरु जी के हैं, एक एक क्षण गुरु जी का है, पूरे सप्ताह गुरु जी का है। आप जिस पल जिस क्षण गुरु जी को याद करेंगे वही आपका सत्संग है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके साथ प्रॉब्लम है उनको अपने गुरु जी के बारे में बताएं, संगत जी उनको गुरु जी से जोड़ें, बड़े मंदिर के बारे में बताएं। ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु जी हमेशा यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े और जो जिन जिनको गुरु जी ने ब्लेस किया है वो अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में अपने गुरु जी का गुणगान करते हुए दूसरी संगत को बताएं, क्योंकि उसमें जुड़ने वाली संगत के लिए मैसेज होता है और जो सत्संग शेयर करता है उसके लिए भी ब्लेसिंग्स होती है। हमेशा गुरु जी ने यही कहा है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने घर को देखना है, अपने काम को छोड़कर मेरे लिए भाग के नहीं आना। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे को लड़के ना आया करी, कई संगत को उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि कलेश करके घर से निकलना, गुरु जी के मंदिर तक पहुंचना, वो भी गुरु जी भी जानते हैं। क्योंकि जो नहीं आ पाता लेकिन अंदर अगर चाह है, अंदर अगर ऐसी इतनी इतनी हलचल मची होती है गुरु जी से मिलने के लिए, तो गुरु जी गद्दी पे हमेशा होता था कि गुरु जी के पास जाना आज, लेकिन अचानक आपके घर में कोई आ जाए ऐसा रिलेटिव जिसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ हंस रहे हैं बोल रहे हैं लेकिन अंदर गुरु जी से बातें कर रहे हैं, अंदर गुरु जी का बड़ा मंदिर छपा हुआ है, जाना था नहीं जा पा रहे, प्लीज गुरु जी बुला लो, कुछ कर दो। और गुरु जी अगर बुलाना है अपने आप रास्ते निकाल देते थे, अपने आप निकल जाते थे सब कुछ करके। ये है गुरु जी, विश्वास गुरु जी के प्रति, विश्वास अथाह विश्वास गुरु जी पर, फेथ सादगी के साथ। कभी गुरु जी ने नहीं कहा इतना चढ़ावा इतना आलिशान उनके सत्संग में सब करो, जो कर सकता है बहुत बढ़िया, जो नहीं कर सकता वो ये ना सोचे कि मैं सत्संग कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठिए, सच्चे मन से बैठिए, सच्चे मन से गुणगान कीजिए। जो चीज आपके पास है वो सब गुरु जी की दी हुई है, हर चीज में गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। एक बार गुरु जी का स्वरूप घर के अंदर आ जाए और गुरु का नाम अपनी जुबान पे आ जाए तो जिंदगी ब्लेस्ड हो जाती है। जिनके पास गुरु जी है उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं और सब चीजें पीछे भागते हैं। ये गुरु जी का जो सफर हमारे परिवार के साथ जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई, इस तरीके से चलती रही, आज तक चलती रह रही है संगत जी। और ऐसे छोटे छोटे और स्वप्न दर्शन तो गुरु जी आज तक देते हैं, ब्लेस करते जा रहे हैं। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी, गुरु जी आज जितनी भी संगत जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया के हर कोने में जो जुड़ी है उन सबको ब्लेस करना गुरु जी, और मुझसे सत्संग शेयरिंग में कहीं कोई भूल चुको गुरु जी तो प्लीज मुझे बख्शना, क्षमा करना। और सारी संगत जो जुड़ी है गुरु जी ब्लेस करना, हेल्थ से उनके ब्लेस करना गुरु जी, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना गुरु जी। आई एम सॉरी मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ, आप तो सब कुछ जानते हो, जो आज आपने मुझसे सत्संग शेयर कराया है वो आप ही की रजा है और जो आपने कहलवाया वो भी आप ही के शब्द है। तो गुरु जी प्लीज सब संगत को ब्लेस करना गुरु जी, और हमेशा अपने चरणों से जुड़े रखना गुरु जी से ये अरदास है। हम सब तो नासमझ हैं, हम अपनी नजरों से और अपनी ही बुद्धि से गुरु जी के बारे में और अपनी सिचुएशंस को इवैल्यूएट करते रहते हैं, लेकिन नहीं, हम सब तो मूर्ख हैं, दाता सिर्फ एक है। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे नाल आर्ग्यूमेंट नहीं चलनी, मेरे नाल बुद्धि नहीं चलनी है, जुत्ती नाल अपनी बुद्धि नु बाहर छड़ के आया करो, गुरु जी कहते थे हमारे सामने। गुरु जी कभी ये नहीं कहते थे कि हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों को छोड़कर और सिर्फ लंगर प्रसाद करने वहां चले जाएं। नो, सोल गुरु जी सिर्फ सोल देखते थे, सोल। गुरु जी कहते थे तुम कैसे लगते हो, क्या लगते हो मुझे नहीं दिखाया था, मैं सिर्फ सोल देखता हूँ, सोल। हमारी सोल एक माचिस की तिल्ली की तरह है, वो सोल जो गुरुजी के पास, जो गुरुजी देखते थे उसे अपने अपने पास बुला लेते थे।
दीवार के उस तरफ गुरु जी कहते थे, बहुत गुरु जी संगत को क्या क्या, हर एक शब्द, हर एक शब्द में कितने अर्थ, गुण अर्थ छिपे हैं। हम इंसानी बुद्धि क्या समझे, परमात्मा की का परमात्मा की के शब्द को हम क्या समझे। नहीं, गुरु जी कहते थे वो दीवार के परली तरफ क्या हो रहा है मुझे सब पता है, सब दिखाई देता है। ये है हमारे गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का मालिक परमात्मा ही एक समय में अनेक जगह पर उपस्थित हो सकता है। परमात्मा ही बिना कहे, हमारे मन के अंदर हम कह रहे हैं बिना कहे हमें सुनता है। एक बार मन में जो इच्छा आई बिना मांगे वो देता है, लेकिन परमात्मा वो है जो हमारे लिए, जो हमारे लिए हमारे फेवर में है, हमारे लिए कल्याणकारी है, वो गुरुजी जानते हैं। इसलिए वो वही देंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी है। हम उसे अपनी बुद्धि से इवैल्यूएट करते हैं और हम सोचते हैं हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, रब की रजा विच राजी रहना सीख ले। गुरु जी की रजा में ही हमें रहना है। एक संगत को दूसरी संगत की हेल्प करनी है, उसको कंसोल करना है, कभी वो मेंटली अपसेट हो उसे समझाना है। यही संगत परिवार, गुरु परिवार का फर्ज है। आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना, उसे समझाना, उसे बताना, उसका मार्गदर्शन करना, यही गुरु शिक्षा है और यही गुरु जी चाहते हैं। जब गुरु जी हमारे साथ है तो सब कुछ कल्याणकारी है। हमने अपने गुरु जी का साथ नहीं छोड़ना। संगत जी बहुत बहुत थैंक्स और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज का, जिन्होंने आज मुझे फिर ये मौका दिया और विक्रम अंकल के थ्रू मैसेज पहुंचा कि मुझे आज गुरु जी का सत्संग करना है। हालांकि मैं एक बार सत्संग शेयर कर चुकी थी, लेकिन आज फिर ये जो नया हमारी फैमिली को गुरु जी ने ब्लेस किया मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सारी संगत को गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करें, सब संगत की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, सारे संगत गुरु जी को हमेशा हमेशा ऐसे ही विश्वास के साथ उनके सत्संग सुनती रहे। गुरु जी हम सबका हाथ यूं ही पकड़े रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। गुरु जी अपनी संगत बहुत प्यार करते हैं एंड गुरु जी वी ऑल लव यू गुरु जी। हमारी पहचान गुरु जी के नाम से ही है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंड जय गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।